रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में करीब 2 हफ्ते पहले सराफा व्यापारी को लूटने वाले अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। इनके कब्जे से लूट का अधिकांश माल भी बरामद किया गया है। इस गैंग के 4 सदस्यों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी शातिर अपराधी हैं और इनके विरुद्ध लूट और डकैती जैसे कई अपराध अन्य जिले के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। एसपी ने शातिर अपराधियों को पकड़ने वाली टीम के सदस्यों के लिए 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस को प्राप्त इस सफलता की विस्तार से जानकारी दी। रावटी थाना क्षेत्र में आपके ध्यान में होगा 27 फरवरी को एक बड़ी घटना को कुछ आरोपियों ने अंजाम दिया था और फरियादी ने बताया था कि 2 मोटरसाइकिल पे कुल 4 लोग थे जिन्होंने उसे रोककर उस पर हमला करके और उससे जो उसके पास नकदी थी 1.5 लाख रुपए और साथ में चांदी के कुछ जेवरात थे वो लूट के ले गए हैं। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर आसपास के क्षेत्र को खंगाला गया। जो संदिग्ध लोग हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित की गई। सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे भी प्रयास किया गया कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए। हमने जो रावटी थाना क्षेत्र, शिवगढ़ थाना क्षेत्र और सैलाना, एसडीओपी सैलाना के एक लीडरशिप में एक अच्छी टीम गठित की थी जिसमें कि थाना प्रभारी रावटी थे, थाना प्रभारी शिवगढ़ थे, थाना प्रभारी सैलाना का भी उसमें सहयोग लिया गया और हमारी जो कॉन्स्टेबलरी है उसमें भी लोगों ने बहुत मेहनत की।